मत हुआ है नाती की जान खतरे में, उन लोगों ने उसका अपहरण कर लिया है, उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। झूठ बोल रही है, हमें सचमुच खतरे में होगा, कुछ हो गया तो। अरे बुत बन के काहे बैठे हो, मैं समझाओ ना अम्बा जी को। हमारे पास मामी जी, मामी जी, मामी जी को बचा लीजिए। आपने तो हमको करवा चौथ पे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था, उस बात की गरिमा को बढ़ाए रखिए। अभी तक तो मजा आ रहा था कि बुआ का असली कैरेक्टर सबको पता चल गया, अभी बहुत डर लग रहा है मुझे दी। अमित भैया किडनैप हो गया, इसे हम लाइटली नहीं ले सकते ना, उनकी जान भी जा सकती है। अच्छा अम्मा जी, जिसने गलती की बहुत बड़ी गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम मानते, लेकिन फिलहाल ये वक्त तो अमित को बचाने का है ना। तू भी शिवम की तरह इस घर का बच्चा है, अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे? अरे कुछ सुनो ना, समझो हमारी बात को। काहे काहे आप हमसे झूठ बोलती रही, जब हम आपसे बार बार पूछते रहे कि अमित जी काहे काहे काहे, आप हमसे कहती रही कि वो यहाँ गए वहाँ गए, आपको इनकी चिंता थी। अरे हम उनकी धर्म पत्नी, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, काहे झूठ बोलती रही। चुप हो जाए, बस तुम क्या दिखा रही हो? तुमने तो बस अपनी दुश्मनी निकाल ली ना, तुम्हें तो बस मम्मी जी का डाना भूनना था। हमने जब तुमसे पहले कहा था कि चल के अम्मी जी को ढूंढ लेते, तुमने कहा कि पहले मम्मी जी का भांडा फोड़ते। हम सब जानते, तुम्हें पता था कि अम्मी जी कहां पर है। जी जी मुझे नहीं पता था, बस बहुत हो गया, तुमने हमारा। एक बात हम साफ साफ कह देते रिया, अगर हमारे अभी जी को कुछ हुआ ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मां देख रही हो, देख रही हो, जिसकी बात में तुम लोग इतना भरोसा कर रहे हो, वो कितनी बड़ी स्वार्थी है। वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हमारा घर भी तोड़ रही है। उसने हमारी बहू को भी अपने पाले में मिला लिया है। अम्मा देखो अम्मा, ये हमसे इस बात का बदला ले रही है कि अमित इतने प्यार करता था और इसकी शादी में अमित की वजह से जो भी हुआ उसका बदला ले रही है। बारिया, हमारी अभी जी की जिंदगी तुमने दांव पे लगा दी, हम तो तुम्हें अपनी बहन समझते थे, पर तुमने हमारे सुहाग को भी आग में झोंक दिया। एक बात और हम कहते थे, अगर हमारे एजी ओजी को कुछ हुआ ना तो हम पूरी दुनिया को आग लगा देंगे। वो सबसे पहले शुरुआत इस शांति सदन से होगी, बता रहे हम। तुम क्यों ऐसा कर रही हो? अरे जिसकी आंखों में तुम आंसू नहीं देख सकती थी उसके साथ तुमने अपने रिश्ते का विसर्जन कर दिया। हम सच कह रहे हैं भैया, हमारे अमित की जिंदगी का वो लोग उसे काट के देते।
ऐश्वर्या, तुमने भी हमारे साथ मेरे स्कूल का विसर्जन कर दिया। अब कभी यहाँ नहीं आएगी, तुम बुलाओगी तो भी नहीं आएगी। कोई तरस तो, लेकिन हम इस घर की चौक पे पैर नहीं रखेंगे। और तेरी मेरी डोरियां आज शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।